कोऑपरेटिव बैंक में 25 करोड़ के घोटाले का आरोपी और एनसीपी चीफ शरद पवार की आज ईडी के दफ्तर में पेशी होनी थी, लेकिन ईडी ने उन्हें पेश होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब शरद पवार ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र में चुनाव और को लेकर बीजेपी और शिवसेना का फॉर्मूला लगभग तैयार माना जा रहा है। नए फॉर्मूले के मुताबिक कुल 288 सीटों में 144 पर बीजेपी और 126 सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ सकती है। इसके साथ ही शिवसेना को मुख्यमंत्री का पद भी दिया जाएगा। वहीं बची हुई 18 सीटों पर एनडीए अपने दूसरे दलों के उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेगी। खबरों की माने तो अब इस फॉर्मूले का सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। चुनाव आयोग ने असम में अब एनआरसी से बाहर लोगों को भी मतदान का अधिकार दिया है, लेकिन आयोग के मुताबिक एनआरसी लिस्ट से बाहर रखे गए लोगों को मतदान का अधिकार तभी तक होगा जब तक नागरिक ट्रिब्यूनल उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं सुना देती। नागरिक ट्रिब्यूनल का फैसला आने तक वोटर लिस्ट में मौजूद हर एक मतदाता को वोट डालने का अधिकार होगा। दरअसल असम में 31 अगस्त को एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई थी, लेकिन इस लिस्ट में करीब 19 लाख लोगों का नाम शामिल नहीं है। असम में जिन लोगों के नाम एनआरसी की फाइनल लिस्ट में नहीं आए, उन्होंने इसके खिलाफ नागरिक ट्रिब्यूनल की ओर रुख किया है और उनके दावों पर सुनवाई चल रही है। नागरिक ट्रिब्यूनल की सुनवाई के बाद उनकी नागरिकता पर फैसला लिया जाएगा और उसके बाद तय होगा कि एनआरसी से बाहर किन लोगों को वोटिंग के अधिकार मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या केस का आज 33वां दिन है। वहीं आज की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि एएसआई की रिपोर्ट पर जांच होनी चाहिए। साथ ही मुस्लिम पक्ष का दावा है कि पुरातत्व को सिर्फ एक एक्सपर्ट के तौर पर देखा जाना चाहिए। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की रिपोर्ट के समर्थन में किसी तरह के सबूत होने की जरूरत की भी बात कही है। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में आज पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह हाजिर हुए। कल्याण सिंह की पेशी बाबरी विध्वंस मामले में दोपहर 12 बजे हुई। कल्याण सिंह 1992 में विवादित ढांचा गिराए जाने के वक्त यूपी के सीएम थे। उनके साथ ही अडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत 21 नेताओं पर आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ढांचा गिराने के मामले में मुकदमा चलाने की इजाजत दे रखी थी। हालांकि 2017 में राजस्थान के गवर्नर के पद पर कल्याण सिंह थे, जिसकी वजह से उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया गया था। वहीं कोर्ट ने कल्याण सिंह पर बाद में आरोप तय करने को कहा था। आर्थिक मंदी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा ऐलान किया है। सीतारमण ने आर्थिक सुस्ती बढ़ने की चर्चा के बीच कहा है कि स्थिति सुधर रही है और चीजें आगे बढ़ रही हैं। सीतारमण के मुताबिक त्योहारी मौसम में खपत बढ़ने के साथ दूसरी छमाही में आर्थिक गतिविधियों की पटरी पर लौटने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने निजी क्षेत्र के बैंकरों, वित्तीय संस्थानों के साथ हुई बैठक के बाद ये बात कही। साथ ही दावा किया कि उन्होंने किसी से नकदी की समस्या होने के बारे में नहीं सुना है। गोवा की एक अदालत ने बीजेपी के विधायक अतानासियो मोंसेरात पर कथित रूप से 16 साल की एक लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोप तय कर दिए हैं। पुलिस ने मामले में जांच पूरी करने के बाद पिछले साल उत्तरी गोवा जिला अदालत में 250 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। उत्तरी गोवा जिला एवं सत्र अदालत के जज शेरिन पॉल ने मोंसेरात के खिलाफ आरोप तय किए हैं और इस मामले में सुनवाई 17 अक्टूबर से शुरू होगी। वहीं पणजी से विधायक मोंसेरात पर आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट से जुड़े कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, यूपी, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल में तेज बारिश के आसार हैं। वहीं बारिश को लेकर बिहार के 14 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं यूपी में लखनऊ समेत 16 शहरों में हाई अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल के शिमला में भी भारी बारिश के आसार हैं। वहीं पुणे में मूसलाधार बारिश के बाद काफी नुकसान की बात कही जा रही है। पुणे के अलावा जलगांव और नासिक में भी बारिश हुई। बारिश की वजह से हुए अलग अलग हादसों में अब तक 21 लोगों के मारे जाने की जानकारी है। जानकारी के मुताबिक पुणे में 14, जलगांव में 6 और नासिक में 1 की मौत हुई। वहीं एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में लगी हुई हैं। एनडीआरएफ ने अब तक करीब 10,500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। पुणे शहर के निचले इलाके से भी 3,000 लोगों को निकाला गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी का कुनबा बढ़ गया है। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह बीजेपी के साथ शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही अकाली दल के विधायक बलकौर सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए।
योगेश्वर दत्त और संदीप सिंह हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर मैदान में भी उतर सकते हैं। इस मौके पर दोनों खिलाड़ियों ने कहा कि बीजेपी ने देश को नई दिशा दी है। कांग्रेस आज मैनिफेस्टो कमेटी को लेकर बैठक करेगी। ये बैठक 3:15 GRG में होगी। इस बैठक की अध्यक्षता किरण चौधरी करेंगी। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा समेत तमाम बड़े नेता भी मीटिंग में पहुंचेंगे। इस दौरान मैनिफेस्टो कमेटी के तमाम सदस्यों की तरफ से सुझाव लिए जाएंगे। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से 1 अक्टूबर से सदस्यता अभियान शुरू होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे जयपुर की सड़कों पर सदस्यता अभियान के लिए खुद उतरेंगे। प्रदेश सरकार के मंत्री विधायक भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। राजस्थान में कांग्रेस की सदस्यता देने का काम पहली बार पार्टी की तरफ से किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव महेश शर्मा ने बताया है कि 1 अक्टूबर को पिछली डेलीगेशन के लिए अधिवेशन होगा। काला हिरण केस में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की पेशी आज जोधपुर कोर्ट में होनी थी, लेकिन वो नहीं पहुंचे। सलमान खान के वकील हस्तिमल सारस्वत कोर्ट में जाने से पहले कहा कि सलमान खान कोर्ट नहीं आएंगे। वहीं सलमान खान की गैर हाजिरी में मामले की सुनवाई टाल दी गई है और अब इस मामले की अगली सुनवाई जोधपुर कोर्ट में 19 दिसंबर को होगी। यूएनजीए में आज पीएम मोदी और इमरान खान का भाषण होगा। इस दौरान पहले पीएम मोदी, उसके बाद इमरान खान भाषण देंगे। यूएनजीए में भाषण के लिए पीएम मोदी का 7वां नंबर जबकि पाकिस्तानी पीएम का 10वां नंबर है। इस दौरान हर नेता को अपना भाषण पूरा करने के लिए 15 मिनट का वक्त दिया जाएगा। न्यूयॉर्क में साक के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान बौखलाए पाकिस्तान ने भारत की मौजूदगी की वजह से हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी एस जयशंकर के संबोधन के दौरान इस बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि इस बैठक में शाह महमूद कुरैशी देरी से पहुंचे। जब वो पहुंचे तब तक विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक से बाहर निकल चुके थे। बल्लभगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण अभियान चलाया गया। इस अभियान में महिलाओं और बच्चों को पोषण की जानकारी दी गई। इस दौरान पोषण के बारे में महिलाओं और बच्चों को बताया गया। वहीं आंगनबाड़ी संचालिका हेमलता ने बताया कि ये अभियान शहर में ही नहीं गांव देहात में भी चलाया जा रहा है और इस अभियान को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। हरियाणा के फतेहाबाद में साइबर क्राइम का एक मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने 2 साल पहले दोस्ती करके व्हाट्सएप से लड़की की फोटो लिए और अब अश्लील चैट के साथ वायरल कर दिए। पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं महिला थाना सचिव कविता रानी ने इस मामले में कार्रवाई का पूरा आश्वासन दिया। भारतीय राष्ट्रीय लोकदल नेता दिग्विजय चौटाला ने आज सिरसा के SSP को शिकायत सौंपी है। चौटाला ने SSP को एक ऑडियो क्लिप भी सौंपा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऑडियो क्लिप में पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। दिग्विजय चौटाला ने बीजेपी पर उनकी पार्टी को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया है। पंचकुला में 65 साल की बुजुर्ग महिला का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक का नाम प्रेमपति है जिसका शव अपने घर के बाहर पड़ा मिला। वहीं खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम के साथ जांच पड़ताल को शुरू कर दी गया। इसके साथ ही वारदात की जगह का पंचकुला के DSP ने जायजा लिया। यमुनानगर के एक निजी अस्पताल में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिजनों का आरोप था कि डॉक्टर ने मरीज का पथरी का ऑपरेशन किया लेकिन पथरी नहीं निकली। इसके साथ ही लोगों ने मांग रखी कि अब या तो डॉक्टर पूरा इलाज करे या पूरे इलाज का खर्चा उठाए। वहीं डॉक्टर ने इस पूरे मामले में किसी तरह की लापरवाही होने से इनकार किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। हरियाणा में प्रदेश स्तरीय पैरा एथलीट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में गुड़ा चीका के खिलाड़ी चैंपियन बने। इस दौरान बच्चों ने स्टेट प्रतियोगिता में 16 मेडल जीते। जानकारी देते हुए कोच सतनाम सिंह ने बताया है कि हिसार में विकलांग खिलाड़ियों के लिए प्रदेश स्तर पर पैरा एथलीट खेलों का आयोजन किया गया था जिसमें प्रदेश भर से सैकड़ों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। गोरखपुर ऑक्सीजन कांड में निलंबित डॉक्टर कफील खान को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है।
यूपी गोरखपुर के बियादी मेडिकल कॉलेज में अगस्त 2017 में ऑक्सीजन की कमी से 7 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद इस मामले में डॉक्टर कपिल को सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं प्रमुख सचिव खनिज और भूतत्व विभाग की अगुवाई में हुई जांच के बाद डॉक्टर कपिल पर लगाए गए आरोपों में सच्चाई नहीं पाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक कपिल ने घटना की रात बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश की थी। इस तरह डॉक्टर कपिल पर लगाए गए सभी आरोप गलत पाए गए। हमीरपुर में महिला की पिटाई का वीडियो सामने आया है। वीडियो में महिला के पति और ससुर ने उसे रोड पर घसीटकर पीटा है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह महिला की पिटाई की जा रही है। पूरा मामला मोधा थाना इलाके का है, जहां पर महिला का पति उस पर गर्भपात करवाने का दबाव बना रहा था, जिसका विरोध करने पर पति ने उसकी पिटाई कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी पति और ससुर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। बिजनौर जिले में दिनदहाड़े गोलीकांड का मामला सामने आया है। इस गोलीकांड में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं पीड़ित की हालत देखकर उसे मेरठ रेफर किया गया, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक घरेलू विवाद के चलते गोली मारी गई। बिजनौर में दिनदहाड़े एक शख्स ने अपने चचेरे भाई को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं हत्या आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके वारदात से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। डबल मर्डर की इस वारदात से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और वारदात की जगह का IG ने मुआयना किया। संभल में पुलिस ने ATM चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा किया है। तस्वीर की खबर के बाद पुलिस ने ATM चोरों को पकड़ लिया है। वहीं आरोपियों के पास से पुलिस ने 12 ATM कार्ड, 2 तमंचे, 1 बाइक और 15,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बहराइच के केसरगंज इलाके में घाघरा नदी में जबरदस्त कटान हो रहा है। वहीं कटान के बाद लोगों ने पूजा का सहारा लिया। इन लोगों ने गंगा मैया को प्रसन्न करने और जाय और घाघरा के रौद्र रूप को शांत करने के लिए पूजा की। संबल के थाना बनियाठेर क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक ने एक युवक को कुचल दिया, जिससे युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी शराब के नशे में बाइक चला रहा था और उसके साथ पीछे बैठा युवक भी नशे में था। हादसे में आरोपी समेत उसका साथी भी घायल हो गया। हालांकि इलाज के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। सदर कोतवाली के सरकारी आवास में महिला कांस्टेबल ने दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2016 बैच की कांस्टेबल जुलेखा खातून मूल रूप से गाजीपुर जिले की रहने वाली थी। उसकी वर्तमान पोस्टिंग बनकटा थाने में थी। उसका सरकारी आवास देवरिया कोतवाली में था, जहां पर उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस विभाग में घटना के बाद हड़कंप मचा हुआ है। मामले की जांच भी शुरू हो गई है। प्रयागराज में उमा भारती की जनसभा में 2 बीजेपी नेता आपस में भिड़ गए। जमीन की रंजिश में जमकर तमाशा हुआ। बीजेपी महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष को बीजेपी मंडल महामंत्री ने कार्यक्रम में जमकर पीटा। पति को बचाने पहुंची महिला मोर्चा अध्यक्ष को भी पीटा। यूपी कन्नौज में महिला लेखपाल के साथ मारपीट को लेकर पूरे प्रदेश में लेखपाल हड़ताल कर रहे हैं। गोरखपुर में लेखपाल संघ ने मारपीट के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए आरोपी वकील की गिरफ्तारी की मांग की है। बता दें कि कन्नौज में प्रमाण पत्र पर जबरन रिपोर्ट लगवाने के लिए महिला लेखपाल के साथ वकीलों ने मारपीट की और 4-5 घंटे तक लेखपाल को बंधक बनाए रखा। इंदौर से नागपुर जा रही स्लीपर बस आज सुबह बैतूल बाजार के पास फोर लेन पर हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में बस ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 12 पैसेंजर्स गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसा सुबह 5:30 बजे हुआ, जब बस बेकाबू होते हुए फोरलेन से नीचे उतरते हुए पलट गई। गोंडा जिले के सरकारी अस्पताल में तैनात जिला क्षय रोग अधिकारी मलिक आलमगीर अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाने में व्यस्त हैं। क्लिनिक पर मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर मलिक को भनक लगी कि उनका स्टिंग हो रहा है। वो अपनी कुर्सी छोड़कर भागते नजर आए और तो और मीडिया कर्मियों के कैमरों को भी बंद करवाने की डॉक्टर साहब ने कोशिश की। इंडियन रेलवे की दूसरी डबल डेकर उदय एक्सप्रेस ने अपना पहला सफर तय कर लिया है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश चंद्रप्रसाद नंदी ने
26 तारीख को इसका उद्घाटन किया है। वहीं काफी समय के इंतजार के बाद विशाखापट्टनम से रवाना किया गया। ये ट्रेन हफ्ते में 5 दिन विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा के बीच चलेगी। ये ट्रेन 5 घंटे 30 मिनट में 350 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ट्रेन में यात्रियों के सफर को सुविधाजनक बनाने के लिए विमान जैसे फीचर्स दिए गए। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने खाते में मिनिमम बैलेंस नियम में थोड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के साथ लगने वाला चार्ज 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। सबसे अहम बदलाव ये है कि बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर मासिक सीमा को पूरी तरह खत्म कर दिया है। SBI के ग्राहक अब इस तरह के असीमित ट्रांजैक्शन का फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ ही SBI ने अर्बन एरियाज के लिए एवरेज मंथली बैलेंस 5,000 रुपये से घटाकर 3,000 रुपये कर दिया है। बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार आज हरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 106 अंक ऊपर उछला तो NSE बेंचमार्क निफ्टी 44 अंक ऊपर पर खुला। शुरुआती कारोबार में बाजार में बढ़ती दिखी और सेंसेक्स 39,000 के करीब दिखाई दिया। वहीं निफ्टी में भी 0.90% से ज्यादा की तेजी दिखाई दी और इंडेक्स 11,550 पर देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैरेबिया देशों के एक समूह के लिए सामुदायिक विकास की परियोजनाओं में 1.40 करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की है। उन्होंने सौर ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा और पर्यावरण संबंधी कार्यों के लिए 15 करोड़ डॉलर की एक अन्य मदद की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री ने भारत कैरेबियाई समुदाय कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में ये घोषणा की है। एक अक्टूबर से होटल में ठहरना और कार खरीदना सस्ता हो जाएगा। दरअसल अक्टूबर से GST की नई दरें लागू होने वाली हैं, जिसके तहत होटल में रहना सस्ता होगा। अब 1,000 रुपये तक किराए वाले होटल रूम पर टैक्स नहीं लगेगा। वह इसके बाद 7,500 रुपये तक टैरिफ वाले रूम के किराए पर अब सिर्फ 12% GST देना होगा। वहीं 28% की GST के दायरे में आने वाले 10 से 13 सीटों तक के पेट्रोल डीजल वाहनों पर सेस को घटा दिया गया है। सातवें वेतन आयोग के तहत अपनी मांगों का लंबे समय से इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार ने हेल्थ सर्विस से जुड़े कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही इन कर्मियों को 26 महीने का एरियर देने का भी ऐलान किया गया है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों की सैलरी 41,000 रुपये से बढ़कर 53,000 रुपये हो जाएगी। वहीं मीडिया में जारी खबरों की माने तो कर्मचारियों को कुल 26 महीने का एरियर दिया जाएगा। बढ़ी हुई सैलरी 1 जुलाई 2017 से लागू होगी। पंकज अडवाणी और आदित्य मेहता की जोड़ी ने विश्व टीम स्नूकर खिताब जीता है। पंकज अडवाणी और आदित्य मेहता की भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड की जोड़ी को 5-2 से हराकर IBSF विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। बंगाल वॉरियर्स और तेलुगु टाइटंस के बीच खेला गया मुकाबला। इस मैच में बंगाल की टीम को काफी करीबी जीत मिली और उसने मुकाबला 1 अंक से जीत लिया। दोनों टीमों के बीच अंक का अंतर 40-39 का रहा। इस जीत के बाद बंगाल वॉरियर्स की टीम 73 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में पहले पायदान पर आ गई है। श्रीलंका के भारत दौरे का ऐलान हो चुका है। भारत अगले साल जनवरी में श्रीलंका क्रिकेट टीम की मेजबानी करेगा। दोनों देशों के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। BCCI ने एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी है। चोटिल होने से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर होने के बाद जसप्रीत बुमराह ने वादा किया कि वो मैदान पर दमदार वापसी करेंगे। बुमराह ने ट्वीट किया, चोट खेल का महत्वपूर्ण हिस्सा है, मेरे ठीक होने की कामना करने के लिए आप सभी को धन्यवाद, मैदान पर दमदार वापसी मेरा लक्ष्य। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को कोरिया ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट की महिला एकल वर्ग के पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा है। वर्ल्ड नंबर 11 अमेरिका की बेवेन झांग ने कल मुकाबले में सिंधु को टूर्नामेंट के पहले दौर में मात देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 4 का एक और नया पोस्टर रिलीज हो गया है। इस पोस्टर में सारे स्टार्स एक साथ नजर आ रहे हैं। पोस्टर में नए और पुराने जनरेशन को एक साथ दिखाया गया है। डबल अवतार वाले पोस्टर को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन, चिरंजीवी और रामचरण की मोस्ट अवेटेड मूवी सईरा नरसिम्हा रेड्डी के दमदार ट्रेलर के बाद इसका दूसरा ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में
चिरंजीवी की अंग्रेजों से लड़ाई दिखाई गई है जो लोगों को आजादी के लिए मोटिवेट करते हैं। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन भी दमदार रोल में नजर आ रहे हैं। मुंबई में 10वें वोग ब्यूटी अवार्ड्स में बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स पहुंचे, जहां रेड कार्पेट पर स्टार्स ने अपने जलवे बिखेरे। सारा अली खान और सिद्धांत चतुर्वेदी ने यहां फ्रेश फेस का अवार्ड जीता है, तो कैंसर को मात दे चुकी ताहिरा कश्यप और सोनाली बिंद्रे ने ब्यूटी वॉरियर्स का अवार्ड अपने नाम किया। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। ये एडवांस बुकिंग फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले स्टार्ट हो रही है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। एक्शन से भरपूर इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश देशमुख की फिल्म मरजावा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर लॉन्च से पहले ही फिल्म का एक और पोस्टर सामने आया था, जिसमें फिल्म की हीरोइन तारा सुतारिया भी दिख रही हैं। सिद्धार्थ रघु के किरदार में मुंह में तिल्ली लिए डायलॉग बाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं।